नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 11 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ। राजधानी भोपाल से मिल रही है बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होगी आज शाम 5:30 बजे। प्रदेश कार्यालय में बैठक होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नामों का पैनल फाइनल हो सकता है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इस बैठक में मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव प्रभारी महेंद्र सिंह शामिल होंगे। प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी मौजूद रहेंगे। तो आज महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी दफ्तर में होने जा रही है। लोकसभा चुनाव प्रभारी महेंद्र सिंह इसमें शामिल होंगे। प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा मौजूद रहेंगे। बीजेपी दफ्तर में चुनाव समिति की आज बैठक होने जा रही है। बीजेपी की शाम 5:30 बजे ये बैठक शुरू हो जाएगी। लोकसभा उम्मीदवारों के नामों का पैनल फाइनल होगा कि दरअसल कहां से किस प्रत्याशी को टिकट देना है, किस उम्मीदवार किसको उम्मीदवार बनाना है, उसको लेकर आज चिंतन मंथन होगा। तो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाने में अभी से भारतीय जनता पार्टी जुट गई है। और आपको बता दें कि 2 दिन पहले अमित शाह का दौरा भी था मध्य प्रदेश का, और मध्य प्रदेश में दौरे के दौरान उन्होंने कई सारे मूल मंत्र कार्यकर्ताओं को पदाधिकारियों को दिए। वैसे में आज दफ्तर में बीजेपी दफ्तर में शाम 5:30 बजे बीजेपी चुनाव समिति की बैठक और लोकसभा चुनाव को लेकर कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। आज बड़ी बैठक शाम 5:30 बजे प्रदेश कांग्रेस प्रदेश बीजेपी दफ्तर में बैठक होगी और लोकसभा उम्मीदवारों के नामों का पैनल डिसाइड होगा। इसके अलावा इस बैठक में प्रदेश महामंत्री हितानंद शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, लोकसभा चुनाव प्रभारी महेंद्र सिंह भी इसमें शामिल होंगे। और इस बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर मंथन होगा, चिंतन होगा। इसके अलावा सभी 29 की 29 सीटें जीतने का फॉर्मूला बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है इस बार मध्य प्रदेश में कि सभी लोकसभा की 29 सीटों पर कब्जा जमाया जाए। अभी हालांकि मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 में से 28 सीटें भाजपा के खाते में है। एक सीट छिंदवाड़ा की कांग्रेस पर की जो सीट है वो नकुलनाथ वहां से सांसद हैं और 28 सीटों पर बीजेपी के सांसद हैं। और इस बार बीजेपी की रणनीति है कि सभी के सभी 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करे, विजय पताका फहराए। उसको लेकर लगातार रणनीतियां बनाने का दौर जो है वो मध्य प्रदेश बीजेपी में चल रहा है। अब भोपाल से हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त अतुल शर्मा लाइव जुड़ गए। अतुल का रुख कर लेते हैं। अतुल, शाम 5:30 बजे बैठक का वक्त मुकर्रर किया गया है, चुनाव समिति की बैठक, और इस बैठक में क्या कुछ रहेगा खास? देखिए, बिल्कुल आज दिन भर बैठकों के दौर बीजेपी के अंदर चल रहे हैं और मकसद है लोकसभा चुनाव और उसकी तैयारी और उसकी समीक्षा। आज करीब 4 बजे के लगभग कोर कमेटी की बैठक होगी, 6 बजे के लगभग चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, हितानंद शर्मा सहित तमाम जो प्रभारी हैं वो इस बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे और समीक्षा करेंगे। देखिए, चुनाव समिति की जो बैठक है उस पर कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में पार्टी की क्या लाइन होने जा रही है और किस तरीके से पार्टी आगे काम करेगी, उसके ऊपर समीक्षा की जाएगी। और खासतौर पर प्रत्याशी चयन को लेकर भी कहीं ना कहीं समीक्षा होती हुई इसके अंदर दिखाई देगी, क्योंकि देखिए 29 लोकसभा सीट है और बीजेपी का इस समय यही मकसद है कि तमाम जो सीटें हैं, यानी कि 29 की 29 जो सीटें हैं उसके ऊपर बीजेपी का कब्जा जमाया जाए। ऐसे में जो तैयारियां हैं उसको लगातार की जा रही है। पिछले दिन हमने देखा था कि इस तरीके से अमित शाह का दौरा जो मध्य प्रदेश में था तो तमाम नेताओं से उन्होंने मुलाकात भी करी, समीक्षाएं भी करी, खासतौर पर जो नीति देखे गए हैं माइक्रो मैनेजमेंट की उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सीधे तौर पर तमाम जो नेता है उनके बीच में चर्चा होती हुई दिखाई देगी। हालांकि देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेके जो प्रत्याशियों का मंथन है लगातार चल रहा है और प्रत्याशी कौन होंगे, किस तरीके से जातिगत क्षेत्रीय समीकरण को साधा जाएगा, इन तमाम मुद्दों के ऊपर अलग अलग चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। देखिए, इस समय हम देख रहे हैं कि बीजेपी माइक्रो मैनेजमेंट पे ज्यादा फोकस कर रही है, गांव चलो अभियान और उसके साथ में बूथ पे खासतौर पर जब फोकस किया जा रहा है तो उसका यह मकसद यही है कि तमाम जो कार्यकर्ता है उनको साधा जाए और खासतौर पर वो हितग्राही जिनकी जिनको सीधा लाभ जो है प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं का मिल रहा है उनसे संवाद स्थापित किया जाए। तो कार्यकर्ताओं को और नेताओं को किस तरीके से उनके बीच में ले जाया जाए, किस तरीके से संवाद स्थापित किया जाए, गांव चलो अभियान के साथ साथ तमाम जो दूसरे अभियान बीजेपी चालू करने जा रही है, हितग्राहियों से संवाद स्थापित करने जा रही है, उसका ब्लूप्रिंट क्या होगा, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज बीजेपी में बैठक का दौर होते रहेंगे। खासतौर पर देखिए, जिस तरीके से चुनाव समिति की जो मैं जिक्र बार बार कर रहा हूं शिवम, उसमें खासतौर पर यह बात यही रहेगी कि आने वाले जो कुछ महीने हैं, कुछ दिन जो है बीजेपी के लिए काफी अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हमने देखा कि 29 लोकसभा में से 28
22 जो लोकसभा है बीजेपी के पाले में, लेकिन छिंदवाड़ा पे भी सीधे तौर पर फोकस कहीं ना कहीं अमित शाह का है। तो ऐसे में छिंदवाड़ा को लेकर क्या नीति रहेगी, क्या वहां पे समीकरण रहेंगे, उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। और खासतौर पर 28 वो सीटें जो बीजेपी के पास पहले से ही है उनको किस तरीके से बचाया जाए, और खासतौर पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बूथ पे 370 वोट बढ़ाने के टास्क दिया गया है, उसको किस तरीके से किया जाए, 370 का बूथ मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इन तमाम बातों को लेकर आज समीक्षा करते हुए नेता दिखाई देंगे। और आने वाले दिनों में ग्राउंड जीरो पे किस तरीके से कार्यकर्ताओं को भेजा जाए इसके ऊपर संवाद स्थापित करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए जो भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाई है, हालांकि अमित शाह भी आए थे और वो एक मंत्र देखे गए हैं कि कांग्रेस मुक्त बूथ बनाएंगे। ये कितना महत्वपूर्ण साबित होगा, कितना कारगर साबित होगा। इसके अलावा कुछ सीटें ऐसी हैं मध्य प्रदेश में जिन पर अभी पैच फंसा हुआ है, जैसे कि जहां पर आप मौजूद हैं भोपाल की लोकसभा सीट, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सांसद हैं, लेकिन ये सियासी हलकों में सवाल उठता रहा है क्या साध्वी प्रज्ञा को दोबारा टिकट दिया जाएगा क्यों नहीं, क्योंकि मोदी उनसे नाराज बताए जाते हैं उनके जो लगातार इस तरह के जो विवादित बयान आते रहते हैं उनको लेकर। इसके अलावा मुरैना की सीट, नरेंद्र सिंह तोमर वहां से सांसद थे, केंद्रीय दिग्गज मंत्री रहे हैं, लेकिन अब विधानसभा अध्यक्ष है, मुरैना की सीट खाली है। तो मुरैना पर किस प्रत्याशी पर दाव खेला जाए ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा खजुराहो समेत मध्य प्रदेश की कई ऐसी सीटें हैं जहां पर अभी उम्मीदवार डिसाइड नहीं है। अतुल, देखिए बिल्कुल शिवम, जिस तरीके से कांग्रेस मुक्त भारत और अब बूथ मुक्त जो है कांग्रेस, ये तमाम जो नारों के बीच में बीजेपी काम कर रही है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से शाह नीति के तहत काम किया जा रहा है उसमें कांग्रेस मुक्त बूथ का जरूर जिक्र किया जा रहा है, और जिस तरीके से अमित शाह तमाम नेताओं को ये निर्देश देके गए हैं कि बड़ी संख्या में दूसरे दल के जो नेता हैं उनको बीजेपी से जोड़ा जाए। और इस अभियान में लगातार हम देख भी रहे हैं कि बीते कुछ दिनों से हमने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस के बड़े जो नेता हैं, जिसमें जबलपुर महापौर का मैं जिक्र कर सकता हूं, कई पूर्व विधायक हैं, कई जिला अध्यक्ष हैं, कई जनपद अध्यक्ष हैं, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे कांग्रेस के जो तमाम जो नेता हैं उनको तोड़ के बीजेपी में लाने का अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि देखिए कई ऐसी सीटें जिसपे पेच फंसे हुए हैं शिवम, निश्चित तौर पर भोपाल का मैं जिक्र करूंगा, लेकिन भोपाल के साथ साथ उनका भी बात जरूर करूंगा जिसपे दिग्गज नेताओं को विधानसभा चुनाव लड़ाया गया था, जिसमें प्रहलाद पटेल की मैं बात कर सकता हूं, इसके साथ में राकेश सिंह की मैं बात कर सकता हूं, इसके साथ में तमाम दूसरे जो नरेंद्र सिंह तोमर, तमाम वो जो दूसरे लोग जहां पे जो लोकसभा चुनाव लड़े थे, अब उनकी सीटों पे किनको टिकट दिया जाए इस पे मंथन जरूर किया जा रहा है। देखिए जिस तरीके से मैं पार्टी की इस समय बॉडी लैंग्वेज समझने की कोशिश कर रहा हूं, कहीं ना कहीं बीजेपी प्रयोग कर रही है, और प्रयोग के माध्यम से सेकंड लाइन तैयार करने की कोशिश भी कर रही है। हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा कि नए चौंकाने वाले कई ऐसे नाम आए थे, खासतौर पर चुनाव लड़ाए गए थे, इसके बाद मुख्यमंत्री का जब निर्णय लिया गया वो भी चौंकाने वाला रहा। अब कहीं ना कहीं सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव को लेकर जो प्रत्याशियों का मंथन किया जा रहा है, निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस बार भी जो नाम होंगे बीजेपी की तरफ से कई चौंकाने वाले रहेंगे। हालांकि देखिए सेकंड लाइन तैयार करने की जो कोशिश की जा रही है इसके अंदर से कई यूथों को भी टिकट मिल सकता है, कई महिलाओं को नए वो चेहरे जो नए चेहरे हैं उनको भी टिकट मिल सकता है। हालांकि देखिए राज्यसभा के जब उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी उसमें कहीं ना कहीं चौंकाने वाले नाम सामने निकल के आए थे। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि बीजेपी इस समय प्रयोग कर रही है, और प्रयोग के माध्यम से ये कोशिश कर रही है कि तमाम जो कार्यकर्ता है उनके बीच में एक संदेश देने की बात है। फेमस भी है इस तरह के नए नए प्रयोग करती रहती है अक्सर। बहुत शुक्रिया अतुल आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। इस बैठक पर आप नजर बना रखिए, अपडेट्स आपसे तो लेते रहेंगे। देवास से उस